तेलंगाना सरकार के मंत्रिमंडल बैठक के बाद भूदान बोर्ड कानून में संशोधन सहित कई ऐसे मुद्दों पर स्वीकृति दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ मुख्य अंशों के बारे में मंत्रिमंडल की बैठक ने अगली बैठक में स्वीकृति देने का फैसला लिया है। प्रगति भवन में घंटों तक मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी 27 अप्रैल को वरंगल में होने वाली 13 प्लीनरी के बारे में चर्चा की गई। सूत्र ने बताया कि SC ST विशेष विकास राशि कानून को अमल में लाने का निर्णय लिया गया। इससे संबंधित विधेयक कल सदन में पेश होगी। इसी क्रम में मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि 9 सदस्यों वाले भूदान बोर्ड का गठन किया जाएगा। कानून की अमलावरी का निरीक्षण करने आवश्यकता पड़ी तो सदस्यों की संख्या कम करने का अधिकार देने के लिए कानून में संशोधन करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। भूदान आंदोलन के प्रमुख विनोबा भावे द्वारा मनोनीत सदस्यों को हटाने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को भूदान बोर्ड के अधीन लाने का निर्णय भी लिया गया। भूदान बोर्ड की जमीनों को बचाए रखने का अधिकार तहसीलदारों को देने का निर्णय भी लिया गया। सूत्र ने बताया कि BC आयोग द्वारा सौंपी गई मुस्लिम आरक्षण संबंधी रिपोर्ट को लेकर इस बैठक में सिर्फ चर्चा की गई, लेकिन इस विषय में मंत्रिमंडल की बैठक में किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया। इसी दौरान आगामी 2 अप्रैल को वरंगल में 13 प्लीनर को भव्य रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अवसर पर KCR के दिशा निर्देश दिए कि उसी दिन बड़े पैमाने पर रैली का आयोजन करें। वरंगल प्लीनरी के जरिए तेलंगाना की जनता को 13 सरकार की जीत कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाए।